हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ट्रिपल सेवन जीके। आज है 31 जुलाई 2021 और आज के इस वीडियो में हम 31 जुलाई 2021 रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको जीके भी बताता चलूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए आखिर तक, क्योंकि लास्ट में आपको दो सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस वीडियो की पीडीएफ आपको जो है मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सुपर फास्ट रिवीजन, कल जो करंट अफेयर्स हुए थे उसका रिवीजन सबसे पहले हम देख लेते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर, इनका निधन हुआ, वह बैडमिंटन खेल से रिलेटेड थे और अपने भारत देश के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब बैडमिंटन के अंदर नंदू नाटेकर इन्होंने जीतकर दिया था। इनका जन्म सांगली में हुआ था, महाराष्ट्र में। तीसरा सवाल है, देखो हाल ही में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुर्ले मार्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा, ब्राजील के अंदर है, ब्राजील का एक शहर है रियो डी जानेरियो। ओके, यहां पर 2016 का ओलंपिक भी हुआ था, इस रियो में यह गार्डन है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा बना? इसका सही आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर है और हमारे देश का ये स्वच्छ शहर भी है, एकमात्र स्वच्छ शहर है और अभी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर बना है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 28 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 की हाल ही में कहां आयोजित की गई थी? इसका आंसर है दुशांबे, जो कि ताजिकिस्तान की राजधानी है, यहां पर इसका आयोजन किया गया था और हमारे भारत देश का प्रतिनिधित्व हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन्होंने किया था। KVIC मतलब खादी और ग्रामोद्योग आयोग और BSF पंजाब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा हाल ही में कहां पर प्रोजेक्ट बोर्ड लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है जैसलमेर के अंदर जो है प्रोजेक्ट बोर्ड लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट बोर्ड के अंदर जो है जो रेगिस्तान है उसको हरा भरा करने के लिए वहां पर बांबू लगाए जाते हैं, बांस के झाड़ पेड़ वृक्ष लगाए जाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय खेल सम्मान द्वारा डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है प्यारा बैडमिंटन खिलाड़ी है हमारे ओडिशा के प्रमोद भगत, इनको दिया गया है। अगला सवाल है, वयोवृद्ध बहुभाषिक अभिनेत्री जयंती का हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें निम्नलिखित कौन से नाम से जाना जाता था? तो उन्हें अभिनय शारदे के नाम से जाना जाता था। उन्होंने जो है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी इन भाषा के अंदर 500 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने जो है अभिनय किया है। और दसवां सवाल था कल का, 2021 के लिए अर्थ ओवरशूट डे कौन सा रहा? इसका सही आंसर है 29 जुलाई। चलो देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। भारत में कितने बाघ अभयारण्यों को, टाइगर रिजर्वों को वैश्विक संरक्षण मानकों मतलब ग्लोबल कंजर्वेशन स्टैंडर्ड की मान्यता मिली है? इसका सही आंसर है 14 बाघ अभयारण्यों को जो है अभी टाइगर रिजर्व को जो है वैश्विक संरक्षण मानकों की मान्यता प्राप्त हुई है। देखिए अपने भारत देश के अंदर जो है कुल मिलाकर जो है 52 जो है बाघ अभयारण्य है मतलब टाइगर रिजर्व है। 52वां जो है वो है हमारे पास राजस्थान का रामगढ़ विषधारी, तो उस 52 में से 14 बाघ अभयारण्यों को जो है कैट्स यानी CATS कैट्स यानी कंजर्वेशन अश्योर टाइगर स्टैंडर्ड इसकी मान्यता मिली है। कैट्स जो है एक विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाने वाला एक संरक्षण मानक है। यह मानक दुनिया में बाघों की आबादी प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम मानकों और प्रथाओं को निर्धारित करता है। अभी इस कैट्स के अंदर जो है हमारे भारत देश के 14 बाघ अभयारण्य शामिल किए गए हैं। वो 14 बाघ अभयारण्य कौन कौन से, तो असम में ओरंग, मानस और काजीरंगा, मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा, तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई और मुदुमलाई, महाराष्ट्र के अंदर पेंच, बिहार के अंदर का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश के अंदर का दुधवा, कर्नाटक के अंदर का बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और केरल में परम्बिकुलम, इन 14 बाघ अभयारण्यों का शामिल किया गया है
कैट्स की मानक उनको मिला है। ये देखिए हमारा भारत महान, इस भारत के अंदर हम इन बाघ टाइगर रिजर्व के जो है लोकेशन देखेंगे। देखिए असम के अंदर ये इधर देखेंगे, असम यहाँ पर है, ये देखिए मानस है यहाँ पर, ओके औरंग है, मानस है यहाँ पर, ओके मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे हम, ये मध्य प्रदेश में ये पन्ना है यहाँ पर, ये कान्हा है यहाँ पर, ओके और ये सतपुरा है यहाँ पर, उसके बाद में तमिलनाडु अन्नामलाई और मुदीमलाई, ये यहाँ पर अन्नामलाई और ये यहाँ पर मुदुमलाई है, महाराष्ट्र का पेंच है, ये महाराष्ट्र है और ये महाराष्ट्र का पेंच यहाँ पर है, बिहार का वाल्मीकि है, ये बिहार है और ये बिहार का वाल्मीकि यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का दुधवा है, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश का यह दुधवा टाइगर रिजर्व है, कर्नाटक का बांदीपुर है, ये यहाँ कर्नाटक है और ये कर्नाटक का बांदीपुर यहाँ पर है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है, ये पश्चिम बंगाल का सुंदरबन यहाँ पर है और केरल का परम्बिकुलम है, केरल का यह परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। चलो अगला सवाल देखते हैं, भौगोलिक संकेत मतलब ज्योग्राफी इंडिकेशन मतलब जीआई टैग प्रमाणन प्राप्त राजा मिर्च का निर्यात लंदन को किस राज्य से किया गया? इसका सही आंसर है नागालैंड, नागालैंड की यह मिर्च है जिसको राजा मिर्च कहा जाता है, देखेंगे उसके बारे में। इस तरह से ये लाल मिर्ची है, एक तीखी मिर्ची है, ये तो उस मिर्ची का यहाँ पर पेड़ है और इस तरह से ये इसका जो है लंदन को अभी फिलहाल में निर्यात किया गया है। मिर्च को 2000 में जीआई टैग प्रमाणन प्राप्त हुआ था, इसे राजा मिर्च कहा जाता है और राजा मिर्च के साथ साथ इसे नागा राजा मिर्च के नाम से भी जाना जाता है और यह भूत गोलोकिया भी कहा जाता है। ये देखो अलग अलग नाम है इसके, राजा मिर्च, नागा किंग चिलीज या भूत गोलोकिया इसे कहा जाता है। दुनिया के शीर्ष 5 सबसे तेज मिर्चों में से यह एक मिर्ची है, ओके। नागालैंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मतलब अपेडा ने नागालैंड के पेरेन जिले से इसे निर्यात किया है और 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्च इसे घोषित किया गया था, तो इसका हमने निर्यात किया है लंदन को। देखते हैं नागालैंड, नागालैंड जो है 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ था, इसकी राजधानी कोहिमा है, यहाँ का सबसे बड़ा नगर दिमापुर है, यहाँ पर जो जिले है 12 है, राज्यपाल है आर्यन रवि, मुख्यमंत्री है नैफियू रियो, राज्यसभा और लोकसभा की एक एक सीट यहाँ पर है और विधानसभा की 60 सीटें यहाँ पर है। ये देखिए हमारा भारत महान और ये भारत के अंदर ये देखिए लोकेशन यहाँ पर है, ये नागालैंड का, ओके ये नागालैंड यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम, ये नागालैंड आ गया। नागालैंड को आसाम की बॉर्डर लगी हुई है, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर लगी हुई, म्यांमार इस देश के साथ वह सीमा शेयर करता है, मणिपुर की भी इसको बॉर्डर लगी हुई है, ओके। चलो आगे देखते हैं, बीआरओ द्वारा कहां पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनाई गई है? इसका सही आंसर है लद्दाख, लद्दाख के अंदर जो है 19,300 फीट ऊंचाई पर की सबसे लंबी सड़क यहां पर बनाई गई है। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये उस सड़क की है, ओके। यहां जो है ये देखिए, यहां पर देखेंगे हम मैप और ये देखिए लद्दाख, लद्दाख के अंदर जो है उमलिंगला पास है, ओके, जो अभी आपको तस्वीर बताया वो है उमलिंगला पास, ये यहाँ पर, ओके। तो ये उमलिंगला पास के अंदर जो है हमारे बीआरओ ने, सड़क सीमा संगठन ने यहाँ पर सड़क बनाई है, ओके। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सीमा सड़क संगठन भी कहते हैं। इन्होंने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब LAC के निकट प्रोजेक्ट हिमांक के अंतर्गत एक सड़क बनाई है। यह सड़क का नाम उमलिंगला पास है, मतलब वो उमलिंगला पास के पास बनाई गई है, इसीलिए उसे उमलिंगला पास कहा जाता है। यह सड़क जो है 19,300 फीट ऊंचाई पर बनाई गई है और 19,300 फीट ऊंचाई पर की विश्व की यह सबसे लंबी सड़क है। किसने बनाया? बीआरओ द्वारा बनाई गई है। तो बीआरओ क्या है? इसका गठन हुआ था 7 मई 1960 को। वर्तमान में यह संगठन 21 राज्यों, हमारे देश के 21 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश, उसके साथ साथ अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में परिचालन को मेंटेन करता है। इसका मुख्यालय है सीमा सड़क भवन न्यू दिल्ली में और फिलहाल के डायरेक्टर जनरल है, जिसे हम महानिदेशक कहेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, ओके। इस तरह से यह सवाल हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिशन निर्यातक बनो नामक अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? मिशन निर्यातक बनो अभियान, इसका सही आंसर है यह शुरू किया गया है राजस्थान में। राजस्थान के अंदर मिशन निर्यातक बनो शुरू किया गया है। ये देखिए, मिशन निर्यातक बनो का जब उद्घाटन हो रहा था तब की ये तस्वीर आपके सामने है। 29 जुलाई 2021 को राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम ने राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया। यह मिशन स्थानिक व्यापारियों के लिए एक सहायता नई योजना, उद्योगों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और विदेशों में परिचालन करने के लिए पैर जमाने के लिए मदद करेगा। यहां जो कार्यक्रम है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट संचालन में रजिस्टर्ड कंपनियों को सहायता प्रदान करेगा। ये देखिए, राजस्थान है हमारा, राजस्थान की राजधानी है पिंक सिटी, राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राजस्थान के अंदर 4 बाघ अभयारण्य है, उसमें का सबसे लेटेस्ट का 52वां, हमारे देश का 52वां जो बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी राजस्थान के अंदर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब UNGA के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? इसका सही आंसर है अब्दुल्ला शाहिद। ये अब्दुल्ला शाहिद जो है ये मालदीव के विदेश मंत्री है और ये UNGA जो 2021 का है, 2021 का 76वां सत्र है, इसके अध्यक्ष बन गए हैं। ये आपके सामने जो नजर आ रहे हैं ये है अब्दुल्ला शाहिद है, मालदीव के विदेश मंत्री जो है, उन्होंने जो है UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वीं सत्र की अध्यक्षता के लिए जो वहां पर चुनाव हुआ था वो चुनाव जीत लिया है। यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार है जब मालदीव ने UNGA की अध्यक्षता की, मालदीव से पहली बार UNGA की अध्यक्षता की जा रही है। UNGA क्या है? तो UNGA है, इसका गठन 1945 में हुआ था, इसके अभी के फिलहाल अध्यक्ष बन गए हैं शहीद अब्दुल्ला जो मालदीव के विदेश मंत्री है और इसका पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र। ये देखिए इस तरह से ये UNGA होती है, यूनो की ये असेंबली है और यहाँ पर जो है हर साल जो है एक आम सभा यहाँ पर भराई जाती है। ओके चलो आगे देखते हैं। इस तरह से हमने देखा है कि अभी 2021 के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हुए हैं, लेकिन पिछले कौन थे? पिछले हमें मालूम होना चाहिए। देखो 72वां सत्र जो था 2017 का था, उसके जो अध्यक्ष थे मिरोस्लाव लाचक्याक जो स्लोवाकिया के थे। 73वां जो सत्र था उस 2018 का, उसके अध्यक्ष थे मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा जो इक्वेडोर की थी। 74वां सत्र जो था उसके जो 2019 में जो हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे तिजन्नी मोहम्मद बांडे जो नाइजेरिया के थे। और 75वां जो था 2020 के लिए पिछले साल का ओलकन बोजकीर जो तुर्की के थे वो अध्यक्ष थे। अब ओलकन बोजकीर की जगह अभी अब्दुल्ला शाहिद आ गए हैं और भारत की तरफ से अब तक सिर्फ एक बार अध्यक्षता की गई है, 1953 के अंदर भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी विजया लक्ष्मी पंडित इन्होंने और यह UNGA की अध्यक्षता संभालने वाली पहली महिला भी थी। मालदीव के बारे में देखते हैं, मालदीव की राजधानी है माले, यहाँ की कार्यालयीन भाषा है दिवेही, यहाँ के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और यहाँ की जो मुद्रा है मालदीवियन रुफिया यहाँ की मुद्रा है। देखेंगे ये है देखो हमारा भारत महान और ये भारत महान के जो अगर देखेंगे हम तो ये देखिए यहाँ पर है मालदीव। ओके ये मालदीव है, इसकी राजधानी है माले। चलो आगे देखते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? इसका सही आंसर है आशा भोसले, ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले, इनको जो है महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये है हमारे सामने आशा भोसले जी। ओके तो महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 के लिए आशा भोसले जी का चयन किया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार चयन समिति की जो अध्यक्षता थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने की है। ओके महाराष्ट्र भूषण ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसे पहली बार 1996 में दिया गया था। यह पुरस्कार साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता, लोक प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रों में दिया जाता है।
इस पुरस्कार की जो राशि है 10 लाख नकद दिए जाते हैं, एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। आशा भोसले जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देखेंगे। 8 सितंबर 1933 को उनका जन्म हुआ। 7 बार उन्हें फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2 बार उनको नेशनल फिल्म पुरस्कार मिला, 1981 में एक बार और 1986 में एक बार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला उनको 2010 में उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 2008 में उनको पद्म भूषण मिला। 2021 में उनको महाराष्ट्र भूषण मिला। लता मंगेशकर पुरस्कार जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जाता है, 1999 में उनको लता मंगेशकर पुरस्कार मिला था और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जाता है लता मंगेशकर पुरस्कार, वो पुरस्कार भी आशा भोसले को मिला हुआ था। अगला सवाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के अंदर एक जिला है मिर्जापुर। मिर्जापुर के अंदर जो है माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है और इस मंदिर के लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना। ये देखिए, ये माँ विंध्यवासिनी का जो है मंदिर है, ये अपने भारत देश के अंदर जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक है। ये देखिए, ये है माँ विंध्यवासिनी देवी, इनका मंदिर वहां पर है और उसको जो है अभी डेवलप किया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है और उसके लिए जो है अपने भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। यह जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है उसके तर्ज पर माँ विंध्यवासिनी मंदिर क्षेत्र में कार्य किया जाएगा। ओके, इसकी जो लागत है 330 करोड़ की लागत से यह कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके अंदर जो है मंदिर का प्रदक्षिणा पथ बनाया जाएगा, उसके साथ ही मंदिर के चारों ओर 50 फीट की चौड़ाई की सड़क बनेगी और यह जो मंदिर है 51 शक्तिपीठों में से एक विश्व प्रसिद्ध माँ विंध्यवासिनी के मंदिर यूपी के मिर्जापुर में है। अभी देखेंगे हम इसका लोकेशन। ये देखिए, यूपी का मैप आपके सामने है और यूपी मैप में ये देखिए पूर्वांचल एरिया है और यहाँ पर ये जो जिला है, ये जिला है मिर्जापुर। अब इसका लोकेशन आपको समझ में आ गया। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 30 जुलाई। 30 जुलाई को जो है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। यह प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। मानव तस्करी के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में पहली बार 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में नामित किया था और 2021 के अंदर यह जो दिवस है इसकी थीम है विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। इसे याद रखना है इस थीम को, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीता है? इसका सही आंसर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है इसको हाल ही में एक पुरस्कार मिला है। ये देखिए, ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पंचमढ़ी में है मध्य प्रदेश के, ये है वहां पर के बाघ। ओके, अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्डियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 जीत लिया है। यह अवार्ड 2011 से प्रतिवर्ष दिया जाता है, जिसे पहले आरबीएस अर्थ हीरोज अवार्ड के नाम से जाना जाता था। ओके, यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संस्थाओं को मान्यता और सम्मान देता है जो हमारे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए असाधारण रूप से कड़ी मेहनत करते हैं। टाइगर रिजर्व जो है सातपुड़ा, यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंदर है। मध्य प्रदेश का यह जो होशंगाबाद है इसका हाल ही में नाम चेंज किया गया है, नाम बदला गया है, इसका नया नाम रखा गया है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम ये हमको याद होना चाहिए। भारत के दक्षिण जैव भौगोलिक क्षेत्र का यह हिस्सा है सातपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में फिलहाल में रखा गया है। आगे चल के इसका यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में समावेश हो सकता है। ये देखिए, ये है मध्य प्रदेश और ये मध्य प्रदेश का है सातपुरा
टाइगर रिजर्व। इसको जिले में अगर देखेंगे, ये देखिए यहाँ है होशंगाबाद, इसे अभी नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा, यह होशंगाबाद के अंदर यह टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्म मिन चिन्ह, इनको किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किया गया है? इसका सही आंसर है वियतनाम, वियतनाम के ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। फिर से एक बार, ये आपके सामने जो तस्वीर नजर आ रही है ये है फाम मिन चिन्ह, इनको जो है वियतनाम की 15वीं जो नेशनल असेंबली थी उसके माध्यम से 2021 और 2026 के मध्य के लिए वियतनाम के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। वियतनाम के बारे में देखते हैं, वियतनाम की राजधानी हनोई है, इसके अभी के राष्ट्रपति है गुएन जुआक फुक, इसके अभी पंतप्रधान हो गए हैं प्रधानमंत्री फाम मिन चिन्ह, और इसकी मुद्रा है वियतनामी डोन। ये देखिए इसको मैप में देखते हैं, ये है वियतनाम, वियतनाम जो है हमारे आसिया कॉन्टिनेंट में आता है, और इसका जो है होनची मिन सबसे बड़ा सिटी है, और हनोई जो है इसकी राजधानी यहाँ पर है। ये देखेंगे और करीब से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर हनोई है और ये यहाँ पर है होची मिन सिटी। इस तरह से वियतनाम के अभी प्रधानमंत्री चुने गए हैं फाम मिन चिन्ह। अभी देखते हैं कल के जो क्वेश्चन थे उसका आंसर देखते हैं। देखिए कल मैंने सवाल पूछा था, ओलंपिक में सर्फिंग मतलब जल क्रीड़ा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला सर्फर कौन बनी? तो वो है अमेरिका की, मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कैरिसा मूरे, इसे याद रखना है हमें। दूसरा सवाल है बाघ गणना में टाइगर स्टेट का दर्जा किसे मिला? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो है 2018 के बाघ गणना के अंदर भारत के अंदर सबसे ज्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में पाए गए थे, मध्य प्रदेश के अंदर 526 बाघ है, इसीलिए उसे टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। और दो नंबर पे है कर्नाटक, कर्नाटक के अंदर जो है 524 बाघ है। क्वेश्चन ऑफ द डे, ये जो है क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे आज के लिए, तुम्हें दो क्वेश्चन। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? ये चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसको कमेंट करके आपका इसका सही आंसर देना है और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है ए आई फॉर ऑल पहल इंटेल ने किस मंत्रालय के सहयोग से शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।